अच्छा, रोमांटिक गाने भी इस मूवी में अच्छे जी हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने थोड़ा देखने सा को वो बता मिलेंगे। दे या कुछ ऐसा। मैं तो बड़ा बेकार गाती हूँ, बट कुछ इस तरह का है कि बिंदिया पायल कंगना सब बोले सजन सजन, सुनना के हो करे जा बोले क्या धड़कन। भोजपुरी फिल्म प्यार भइल हिंदुस्तान से प्रमोशन के लिए गुंजन पंत जो है एक्ट्रेस हैं इस फिल्म के, वो पहुंची हैं और इनसे हम विस्तृत बात करेंगे कि भोजपुरी फिल्म जो नई रिलीज होने वाली है उसको लेकर कैसा ये जो भी मतलब प्रमोशन के लिए क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा ये फिल्म पूरे बिहार यूपी तमाम भोजपुरी जगत के लोगों के लिए, हम इनसे जानेंगे। गुंजन जी, बताइए कि प्यार भइल हिंदुस्तान से ये मूवी रिलीज़ होने वाली है आपकी, और आपने कहा कि देशभक्ति वाली मूवी है, देश प्रेम वाली मूवी है, कैसी मूवी है बताइए जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जी हाँ बिल्कुल, प्यार भइल हिंदुस्तान से में आपको देशभक्ति भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको सरहद पार वाला प्यार देखने को मिलेगा कि एक हिंदुस्तानी लड़का जिसको कि प्यार हो जाता है एक पाकिस्तानी लड़की से, वो भी पक्का हिंदुस्तानी है और मैं भी पक्की पाकिस्तानी हूँ। मेरा जो किरदार का नाम है चांद बानो है। मेरे अब्बू जान जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। उनकी बहुत ही प्यारी लाडली बेटी जिसको बहुत ही प्यार से पाला पोसा है उन्होंने, और बहुत उम्मीद है उनको इस लड़की से, अपनी बेटी से। और ये सोच भी नहीं सकते कि इनकी बेटी को उस हिंदुस्तानी लड़के से प्यार हो जाएगा। वो बहुत तमाम कोशिश करते हैं कि इसका हाल सरबजीत से भी ज़्यादा बुरा करेंगे, इनको हिंदुस्तानी जासूस डिक्लेयर करके वो सब करेंगे। बट कहते हैं ना कि प्यार कुछ नहीं देखता है, प्यार जात पात धर्म सरहद कुछ भी नहीं देखता है, प्यार तो बस हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अभी लड़की को प्यार हो गया है शंकर से, और शंकर को प्यार हो गया है चांद बानों से। किस तरह से वो अपने प्यार को पाती है, लेकिन अब उसके सामने दोनों चीज़ें हैं। अब्बू जान की भी नाक नहीं कटनी चाहिए, उनसे भी वो उतना ही प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि शंकर से प्यार हो गया है तो अपने अब्बू जान को भुला दिया और एकदम छोड़ के, वैसा नहीं। अब्बू जान को भी ध्यान में रखना है, एट द सेम टाइम अब जिससे प्यार करती है उसको भी ध्यान में रखना है। तो दोनों के बीच किस तरह से तालमेल मिलाती है, कंट्रोल भी हो जाता है इस बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से कुछ देखने को मिलेगा इस फिल्म में। इस प्यार भरी क्लाइमेट में कुछ डायलॉग जो फेमस आप प्यार भइल हिंदुस्तान का, देखिए क्योंकि हम लोगों ने शूटिंग बहुत पहले किया था तो डायलॉग्स कई सारे तो भूल चुके हैं, याद नहीं है। एक एक डायलॉग है जहाँ पर वो रोमांटिक तो नहीं है, लेकिन ये लड़की बोलती है कि क्योंकि इसको बहुत तरह से परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है हिंदुस्तानी लड़के को, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मतलब यही चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह से इसको बचा, क्योंकि मैंने बताया कि हिंदुस्तानी है और पाकिस्तानी जो हमारे अबू जान है जो हेमंत बिरजे जी ने प्ले किया है, उनकी इकलौती बेटी लाडली बेटी को प्यार हो गया एक मामूली से लड़के से। वो कोई ऐसा कुछ एक मामूली सा सिंगर है, उससे इतनी बड़ी ये होता ही है ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं है इस वजह। ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी माँ बाप होंगे ना, जब हम भी उस जगह पे पहुँचेंगे हम भी चाहेंगे कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि प्यार हो गया तो भाई शादी कर दो, ऐसा नहीं होता है। सब लोग अपने कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा जिससे शादी कर रहा है वो खुश रहे, वो अच्छे परिवार में जाए, सारी चीज़ें। एक ऐसा लड़का जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और जो एक मामूली सा सिंगर, और मैं बहुत गरीब लड़का है, हाँ एक गरीब नॉर्मल सा लड़का है। तो और ये जो लड़की है ये बहुत बड़े काफ़ी रिच फैमिली से आती है, तो एक जाहिर सी बात है कि उनके मेरे पिताजी को नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको बर्बाद कर दें और किसी तरह से पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान सरहद पार की प्यार है इसमें, मैं मुख्य रूप से इसको कैसे क्या देखते हैं। देखिए प्यार, मैं वही अभी जैसा बता रही थी कि प्यार कुछ नहीं देखता है, प्यार सरहद नहीं देखता है, जात पात नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है, अमीर की गरीबी नहीं देखता है। प्यार लव स्टोरी मूवी, देशभक्ति और रोमांस दोनों इसको दोनों इसमें देखने को मिलेगा, एट द सेम टाइम विद वेरी पॉजिटिव मैसेजेस जो कि आज की यूथ को ज़रूर देखना चाहिए। और इस फिल्म का बहुत बड़ा USP है एक्शन इस फिल्म का।